हेलो फूड लवर्स, मैं अंजलि आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। हमारी आज की रेसिपी उन सभी फ्रेंड्स को डेडिकेटेड है जिन्हें चॉकलेटी रेसिपी बनाना और खाना बहुत पसंद है। आज हम बनाएंगे सुपर सॉफ्ट और फ्लफी स्पॉन्जी चॉकलेट केक। इसे बनाते समय हमें कई छोटी छोटी बारीकियों का ध्यान रखना होता है, जिसका जिक्र हम वीडियो में हर एक स्टेप में करेंगे। हमारे इस वीडियो को देखने के बाद आप एक ही बार में बहुत ही यम्मी और अपने स्टाइल का चॉकलेट केक घर पर ही बना पाएंगे। सो फ्रेंड्स, हम बनाते हैं चॉकलेट केक। चॉकलेट केक बनाने के लिए सबसे पहले हम बेस बनाएंगे। बेस बनाने के लिए मैंने एक बाउल लिया है। बाउल में हाफ कप कर्ड लेंगे और मैंने इसी बाउल से सारे इंग्रेडिएंट्स को मेजरिंग किया है। केक बनाने के लिए एक ही बाउल लें या कप लें, उसी से मेजरिंग करें। हाफ कप शुगर पाउडर, 1/4 ऑयल, ऐसे हम अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें सूखा इंग्रेडिएंट्स को डालेंगे, इसलिए मैंने एक छलनी लिया है। इसमें हम 1/4 कप मैदा डालेंगे, 1/4 बाउल मिल्क पाउडर, 1/2 teaspoon बेकिंग पाउडर, 1/4 teaspoon बेकिंग सोडा, 1 teaspoon कॉफी पाउडर, 2 tablespoons कोको पाउडर। सभी को अच्छी तरह से हम सीव कर लेते हैं। सीव करने से इसमें कोई लम्स नहीं रहता है। ये अच्छी तरह सीव हो गया, सभी मिक्सर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। 1 tablespoon विनेगर इसलिए मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें दूध को थोड़ा थोड़ा डाल के मिक्स करेंगे। 1 teaspoon वनीला एसेंस, आप चाहें तो इसमें चॉकलेट एसेंस भी डाल सकते हैं। बैटर हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, आप देखिए इस तरह इस फॉर्म में रहेगा ये। अब हम इसे साइड में रख देते हैं और हम केक मोल्ड को लाते हैं। मैंने 7 inch का केक मोल्ड लिया है, इसे हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। चारों तरफ इसे अच्छी तरह से ग्रीस करेंगे। ये अच्छी तरह से ग्रीस हो गया है, इसमें हम मैदा डाल के इसे डस्ट करेंगे। 1 tablespoon मैदा, इसे भी डाल के हम अच्छी तरह से चारों तरफ फैला लेंगे। आप चाहें तो इसे बटर पेपर से भी डाल के इसे ग्रीस कर सकते हैं। मैंने मैदे से भी अच्छी तरह से इसे ग्रीस कर लिया है। अब हम इसमें बैटर को डाल देंगे। अब 3 से 4 बार हम इसे टैप कर लेते हैं। अच्छे तरह से टैप हो गया है। मैंने कढ़ाई को पहले ही मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया है। अब हम इस बैटर को इसमें डाल देते हैं और इसे कवर कर लेते हैं और इसे लो फ्लेम पे हम 30 से 35 मिनट के लिए बेक होने देते हैं। जो ग्लास में ये होल है इसे हम बंद कर देंगे, इससे हमारा केक है जो जल्दी बेक हो जाएगा। 30 से 35 मिनट हो गया, इसे हम कवर हटा के देखते हैं। टूथपिक की हेल्प से हम देखेंगे कि अच्छी तरह से बेक हुआ है कि नहीं। देख रहे हैं पूरी तरह से ये क्लीन है, इसका मतलब हमारा एक अच्छी तरह से बेक हो गया है। इसे हम बाहर निकालते हैं। हम इसे कढ़ाई से बाहर निकाल लिए हैं। अब हम इसे एक कपड़े की हेल्प से ढक के इसे हम आधा घंटा के लिए ठंडा होने देंगे। इससे हमारा केक है जो सॉफ्ट बना रहता है। जब तक हमारा केक ठंडा हो रहा है तब तक हम चॉकलेट गनाश बना लेते हैं। चॉकलेट गनाश बनाने के लिए मैंने 200 ग्राम डार्क चॉकलेट लिया है और 100 ग्राम अमूल क्रीम। हम इसे मेल्ट करेंगे। चॉकलेट गनाश हम आज डबल बॉयलर की हेल्प से बना रहे हैं। मैंने पानी को बॉयल कर लिया है और इस पर हम इस कटोरे में क्रीम को रख रहे हैं और इसे हम थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। अब क्रीम थोड़ा सा गर्म हो गया है और मेल्ट भी हो गया अच्छी तरह से, इसमें हम डार्क चॉकलेट को डाल देते हैं और इसे 1 मिनट के लिए इसी तरह से रहने देते हैं और हम फ्लेम को बंद कर देंगे। अब 2 मिनट हो गया, इसे हम चलाते हैं। अब देख सकते हैं चॉकलेट ये अच्छी तरह से ये मेल्ट हो रहा है। आप देख सकते हैं अच्छी तरह से मेल्ट हो गया हमारा गनाश। देखिए इस तरह से गाढ़ा है ये, आप क्वांटिटी का ध्यान दीजिएगा। हम इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे कि और ये थोड़ा सा और ज़्यादा ठीक हो जाएगा। एक टर्न टेबल लिए हैं और एक केक कार्डबोर्ड। मैंने केक के बेस को डिमोल्ड कर लिया है। यह बहुत ही देख सकते हैं ये सॉफ्ट और स्पंजी है। अब हम इस पर रख देते हैं। अब हम इसे 2 भाग में कट कर लेते हैं। हाथ को इस तरह से इस पर रखेंगे और इसे कट कर लेंगे। आप चाहे तो इसे 3 भाग में भी कट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं मैंने 2 भाग में कट कर लिया है। अब इसे हम साइड रखते हैं और हम पहले
शुगर सिरप बना लेते हैं। आज हम शुगर सिरप की जगह हम आज मिल्क सिरप बना रहे हैं। मैंने 1/3 बाउल मिल्क लिया है, इसमें हम 2 टेबल स्पून शुगर डालेंगे, चीनी, और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हम मिल्क की जगह पानी और चीनी का भी यूज कर सकते हैं। ये हमारा मिल्क सिरप रेडी हो गया है, इसे हम साइड रखते हैं। आप देख सकते हैं मेरा चॉकलेट गनाश भी रेडी हो गया है। देखिए इस तरह से ठीक हो गया है। अब हम इसे आइसिंग करने के लिए एक हम पाइपिंग बैग में इसे डाल लेंगे। मैंने एक ग्लास लिया है और एक पाइपिंग बैग इस तरह से, इसमें हम इसे डाल देंगे। और अब हम इसे कट कर लेंगे। अब हम केक के बेस पे हम मिल्क सिरप जो बना के रखे हैं उसे हम डाल देंगे चारों तरफ अच्छी तरह से। इससे हमारा जो केक है जो सॉफ्ट बना रहता है, चारों तरफ अच्छी तरह से इसे डालेंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने अच्छी तरह से इसे सॉफ्ट कर लिया है मिल्क से। अब हम गनाश को डाल लेते हैं। हम चोको चिप्स को डाल देते हैं और हम सेकेंड लेयर को भी इस पर रख देते हैं। ऊपर को लेयर को हम थोड़ा थोड़ा कट कर देंगे जिससे हमारा शुगर सिरप अच्छे से घुस पाएगा और अच्छे से ये गनाश इसमें लग पाएगा। अब हम इसे मिल्क सिरप से इसे हम सोक कर लेते हैं। अब हम इस पे गनाश डाल लेते हैं। नाइट को इस तरह से गर्म पानी में डाल के जैसे निकाल लेंगे, इसे हम साइड रखते हैं। नाइफ को गर्म पानी में डाल के ही आइसिंग करें। इस तरह करते हुए चाकू को है जो आप क्लीन करते जाएं। इसे हम 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। 15 मिनट के बाद फ्रिज से मैंने इस केक को निकाल लिया है। मैं इसे चॉकलेट शेप, चेरी, शुगर बॉल और शुगर बटरफ्लाई से डेकोरेट कर रही हूँ। आप अपने स्टाइल में इसे डेकोरेट कर सकते हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो मेरे दिए गए लिंक पे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके बताएं कि कैसा लगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।